हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, मेरी जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से हो रही है। तो फ़िलहाल तो घर पे मैं ही हूँ, सास ससुर जी चले गए हैं घास लेने जंगल, ऐसे जा रखे हैं टाइम पास करने, क्योंकि घास तो उन्होंने कल लेके आ रखा था, लेकिन फिर भी चले गए ऐसी। तो मैंने उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाया, तो नाश्ता वगैरह करके चले गए। तो अब बची हूँ मैं, मैंने अभी बनाया नहीं अपने लिए, तो अपने लिए भी बनाती हूँ नाश्ता। तो सासू जी ने मुझे काम दिया था ये घास फैलाने का, तो मैंने वो भी फैला दिया है, और गाय के लिए खाना बन रहा है यहाँ पर, तो वो भी देखना है, तो मैं उसे ही देखने आ रखी हूँ अभी। तो ये गाय का खाना बन रहा है यहाँ पर, ये देखो दोस्तों। तो खाना पकने में भी अभी काफ़ी टाइम है, और मैंने किया थोड़ा किचन की सफाई वगैरह, डब्बे डुब्बे धोए थोड़ा, तो मैंने डब्बे डुब्बे सुखाने के लिए बाहर ला रखे। तो वैसे मैं अपना ब्लॉग शुरू सुबह ही कर सकती थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं थी और ना मेरे पास टाइम था कि मैं ब्लॉग शुरू करूं। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा टाइम लिखती हूँ और ब्लॉग शुरू कर ही देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही भूल जाना था मैंने, फिर ऐसे ही रह जाता ब्लॉग। फिर आज भी मैंने फिर ब्लॉग नहीं बनाना था, मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ आज। दोस्तों मेरे साथ ना आजकल पता क्या हो रहा है, मैं जैसे अपलोड कर रही हूँ, आज कल की वीडियो मैंने आज अपलोड की थी, तो पहले उसमें 2 GB नेट वेस्ट हुआ, ठीक है, 14 मिनट की थी वो। फिर मैंने 22 रुपये का रिचार्ज किया, तो उसमें 1.5 GB मिलती है, तो वो भी वेस्ट हुआ, ठीक है। तो परसों भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैंने ना 5 मिनट की वीडियो थी, तो 5 मिनट की वीडियो में 50% ही आता है, ज़्यादा नेट नहीं लगता, लेकिन उसमें पता क्या हुआ 2 GB भी लगी, ठीक है। फिर मैंने अपने हस्बैंड का नेट किया यूज़, पूरा ही उनका ही किया, उन्होंने यूज़ भी नहीं किया था, मैंने उनका 1.5 GB भी किया, ठीक है। फिर मैंने 1.5 GB वाला और किया, फिर वो भी किया, पर पड़ी नहीं वीडियो, पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरा मन ही नहीं करता था ब्लॉग बनाने का, मुझे गुस्सा आता है कभी। तो मैंने एक उस दिन तो मैंने फ़ोन ही फोड़ दिया था, मैंने फ़ोन पटका, मैंने कहा ये हो क्या रहा मेरे साथ, मुझे जब गुस्सा आता था मैं फ़ोन ही पे ही निकालती हूँ, क्योंकि इसी से होता है जो कुछ होता है। तो पता नहीं क्या हो रहा दोस्तों मेरे साथ ऐसे, मैं परेशान हो गई इस यूट्यूब से, मन तो कर रहा है यूट्यूब छोड़ दूँ, मैं बनाना ही नहीं है वीडियो, गुस्सा आता है मुझे कई बार, कभी कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ। कॉपीराइट सॉन्ग में नो कॉपीराइट सॉन्ग भी लगाऊँ ना, तो पता नहीं कहाँ से उसमें कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं इतना परेशान हो गई ना इस यूट्यूब से, क्या करूँ दोस्तों, कसम से। मतलब घर का काम भी करो और यूट्यूब भी चलाओ ना, अगर यूट्यूब में थोड़ा सा कुछ भी हो जाता है ना, तो टेंशन हो जाती है मुझे। तो मैं जैसे घर का काम भी कर रही हूँ और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दो, होती नहीं है वो, तो आधा घंटा तो उसी में वेस्ट हो जाता है मेरा। परसों तो मेरा पूरा दिन गया, मैं श्रीनगर गई, वहाँ भी मैं फ़ोन पे लगी लगी, उसके चक्कर में मैंने अपने हस्बैंड की डांट भी खाई कि तो फ़ोन पे ही लगी है, फ़ोन पे ही लगी है। तो मैं क्या करूँ, ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने आज सोच लिया, अगर आज भी नहीं पड़ी ना वीडियो, तो मैं सच में यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर दूँगी। अब नहीं है मेरा बस का ऐसा रोज़ रोज़ का ड्रामा इस यूट्यूब का झेलना, तो क्या करूँ दोस्तों, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, तो मैं यूट्यूब बंद कर दूँगी, इतना मैं बता देती हूँ। तो गाइस ये देखो, मैंने ऊपर सफाई की, डब्बे डुब्बे जो इधर उधर हो रखे थे सही लगा दिए हैं, और अभी मैं बनाती हूँ अपने लिए रोटी। अभी कुछ सामान यहाँ पे निकाला हुआ है, कुछ वैसे तो बर्तन धो दे, एक ही बर्तन बचा हुआ है, बाकी जल्दी से काम निपटाती हूँ अपना। और अभी दिन का खाना भी बनाना है, तो देखती हूँ दिन में क्या बनाना, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो मैं भी फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मुझे दिन का खाना नहीं खाया जाएगा, इसलिए फटाफट से अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, ओके दोस्तों। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह मैंने कर दिया है, और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा नींबू पानी, इसमें मैंने डाल दिया है चीनी और नमक, तो नींबू ख़त्म भी हो चुके हैं, वो भी मेरे मायके से आ रखे थे नींबू, तो मैंने ख़त्म कर दिए सारे, और बहुत सारे तो सड़ चुके थे क्योंकि उनका यूज़ नहीं कर पाई मैं जल्दी, तो सड़ गए और ख़राब भी हो रखे हैं बहुत सारे। तो नहीं देखो दोस्तों कितने सारे तो ख़राब हो गए हैं फ्रिज में रखे रखे, ये तो पिछली बार के हैं, जब मैं अपनी मायके से आई थी ना, तो उस टाइम के हैं ये, ये भी ख़राब हो चुके हैं, और बाकी ये बचे हुए थोड़े से इनसे ही बनाती हूँ आज, बाकी तो हैं थोड़ा बहुत 2-3। तो ये भी बहुत गंदी हो रखी है हमारी, उसको भी साफ़ करना पड़ेगा, लेकिन आज इतना टाइम नहीं है, कल करूँगी। दही भी ख़राब हो गई है, पता नहीं कब की रखी हुई है, मैं तो अभी देख रही हूँ दही, तो इसको भी ज़रा साफ़ करते हैं।
तो दोस्तों मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। एक तो मैं यूट्यूब से परेशान हो चुकी हूँ। यूट्यूब में मैंने कम से कम 3-4 बार वीडियो डाल दी हैं, फिर भी नहीं पढ़ रही। वो परेशान हो गई मैं इस यूट्यूब से। मन तो कर रहा है बनाऊँ ना वीडियो, पर क्या करूँ। दही फेंक देती हूँ, ख़राब हो गई क्योंकि। देखती हूँ मैं अंदर से कैसी हो रखी है। देखो गाइस बदबू भी चल रही है इसमें, इसमें ख़राब हो गया। दोस्तों ख़राब हो चुकी है। क्यों लेके आए, क्यों नहीं खाई, ये बदबू आ रही है दोस्तों इससे। जो ऐसा सामान होता है ना जैसे दही मक्खन दूध, इसको ना जल्दी यूज़ करना चाहिए क्योंकि गर्मी के टाइम पे ये ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं दही भी अभी ख़राब हो गई है, परसों साथ मुझे 1 किलो लाई थी तो बहुत। तो खैर हमने खरीदी ख़त्म, जब नहीं हो पा रही थी ख़त्म तो हमने उसकी कड़ी बनाई। हाँ तो सच में जल्दी जल्दी यूज़ कर देना चाहिए इन चीज़ों का, नहीं तो ख़राब हो जाती है। तो अभी बनाते हैं नींबू पानी। तो ये देखो दोस्तों मैंने इसमें पुदीना और क्या बोलते हैं इसको मोरिया और हरी मिर्च पीस दी है। ये मैंने कड़ी के लिए पीसा है, जब मैं कड़ी बनाऊंगी तो कड़ी में डालूंगी, अच्छा स्वाद आता है। जब कड़ी पक जाए ना उसके बाद ऐसे डालना चाहिए, मस्त वाला स्वाद आता है, खाने का मन भी करता है। कड़ी वैसे में तो मन ही नहीं करता खाने का, लेकिन ऐसे बहुत मस्त होती है कड़ी। और अगर खीरा हो तो खीरा कद्दूकस करके डालो और भी मज़ा आएगा। पकौड़ी बना के डालो, हम कड़ी कितनी भी प्रकार की बना ले सब टेस्टी होती हैं। और घर का मट्ठा तो अलग ही जवाब है इसका, इतना मार्केट का नहीं होता जितना घर का होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा से हमें घर की चीज़ें खानी चाहिए। घर की लोग तो घर की चीज़ें खाने के लिए तरस जाते हैं और एक हम खाते नहीं हैं। अब देखो ये नींबू भी घर के ही हैं जो कि मेरी मम्मी ने दिए। हम तो घर का ही वैसे आधा से ज़्यादा घर का ही खाते, इधर तो मार्केट का खाते हैं पर उधर घर का ही खाते हैं। सब्ज़ी भी हम मार्केट से बहुत कम खाते थे उधर, एक तो हमारा मार्केट दूर है उधर, तो इसलिए हम घर का ही खाते ज़्यादातर। अगर जिस टाइम आलू होते हैं ना उस टाइम आलू आलू आलू, कभी आलू प्याज, कभी आलू बैंगन, कभी आलू के गुटके, कभी आलू के पराठे, कभी आलू का झोल, ऐसे बनाते थे। मतलब होता ही है ना, एक ही सीजन जो सीज़न चल रहा है सब्जियों को वो ही खाना पड़ता है। जैसे अभी सब्जियां कई प्रकार की तो अभी खा रहे हैं, तो वैसे अब तो देखो तुम झंगोरा भी नहीं मिल रहा है। झंगोरा भात खाने का, झंगोरा कड़ी खाने का मन करता है लेकिन झंगोरा ही नहीं है। कई लोगों को पसंद नहीं है, जिनको पसंद है उनको मिलता नहीं है, बस यही होता रहता है दोस्तों। बन गया मेरा नींबू पानी, अब इसको पीते हैं आराम से। मैंने ना इस बोतल में नींबू पानी बना के रखा था लेकिन आधी बोतल थी है। मेरे पतिदेव इतने महान हैं, पहले इसमें पूरा पानी भर दिया फिर उसके बाद पीने लगे। कह रहे नींबू पानी था इसमें, मैंने कहा हाँ नींबू पानी था, उन्होंने पूरी बोतल पानी से भर दी। फिर मेरे को दोबारा से अभी बनाना पड़ा, मुझे पता भी नहीं था उन्होंने बोतल भर के फ्रिज में रखी है। मैंने अभी पानी पीने के लिए बोतल निकाली तो नींबू वाला टेस्ट आ रहा था, मैं समझ गई थी वही बोतल है, तो मैंने बना दी। इतनी बोतल थी वो, इन्होंने उसमें पूरा पानी भर दिया था, पूरा नींबू पानी खराब कर दिया, महान व्यक्ति। चलो दोस्तों मेरी दोस्त की कॉल आ रही है, तब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों ये गाय का भात भी जल्दी जल्दी नहीं पक रहा, 3-4 बार आ गई मैं इसको देखने, लेकिन ये ऐसे पानी है अभी इसमें, आग चली नहीं है तो कहाँ से पकेगा, आग जलाते पहले। तो गाइस आज मैंने बनाया है कढ़ी चावल, अब हम खाते हैं खाना। गाइस खाना भी खा चुके हैं हम और इसमें थोड़े से चावल बच चुके हैं तो इन्हें रखते हैं साइड। अब है बर्तन धोने की बारी, तो बर्तन धोती हूँ मैं।
तो दोस्तों किचन का भी सारा काम निपट चुका है, बर्तन वगैरह भी धो दिए मैंने, और चलते हैं थोड़ा आराम करते हैं। फिर मुझे 4 बजे उठना है, चाय वगैरह बनानी है, इसलिए थोड़ा सा आराम करते हैं। आज जैसे भी मेरा दिमाग हिल चुका है यूट्यूब के चक्कर में। वैसे मैंने आज फ़ोन भी नहीं चलाया है क्योंकि मैं घर की सफाई वगैरह करने पर लगी थी, कभी किचन की सफाई, फिर फ्रिज साफ़ किया, फिर अपना कमरा साफ़ किया, तो सारा दिन टाइम तो ऐसे निकल गया। तो नेट भी बचानी है, तो अभी तक मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा, मैंने कम से कम 6 बार डिलीट कर दी हुई कसम से। मेरे नेट इतना सारा यूज़ हो रहा है, पता नहीं क्यों 7 GB मांग रहा है बीबी फिर से, तो मैं क्या करूँ दोस्तों, परेशान हो गए मैं इस यूट्यूब से। चलो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, चलो थोड़ा आराम करते हैं, आप भी आराम कीजिए दोस्तों। तो गाइस मैं इस छिपकली से बाल बाल बची अभी, भाई इसको देखे तो मुझे डर लग रहा है। ओह इधर ही आ रही है, तो गाइस मैं आ रही हूँ छत में और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इसका आनंद लेते हुए। और पीछे देखो आप कितना अच्छा लग रहा है ना, सूरज भी जाने वाला है, सूरज में जेठ का नाम है, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है निकालने में। लोग भी क्या बोले, मतलब लोग क्या परिवार वालों को भी पता है कि इसके जेठ का नाम है, तो वही बोलेंगे भाई, और को क्या पता है कि इसके जेठ का नाम क्या है, क्यों दोस्तों छोड़ रहा है। तो नाम भी वैसे हो रखे ना, धूप का नाम भी वैसी है, उनका नाम भी वैसे, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ उसमें। और वैसे तो बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, आज कल भी बहुत ज़्यादा बोर हुई थी, आज भी काना भी नहीं है, तो उसका तो कोई बात नहीं, लेकिन अकेले अकेले सच में मन नहीं कर रहा मेरे यहाँ। तो क्या मैंने सानिया को भी बोला कि शनिवार को आ जाना इधर, उसका स्कूल है ना, वैसे तो पता नहीं वो भी आती है कि नहीं, देखते हैं दोस्तों। बाकी क्या करें, अकेला रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अब अकेला रहना। तो दोस्तों सुबह 5 बजे से लेकर और अभी 6 बज चुके हैं, तब से ब्लॉग ही नहीं पड़ा कसम से। क्या हो गया मेरे यूट्यूब को, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई ने भी बताया मुझे ये कर, मैंने वो भी कर दिया तब भी नहीं हो पा रहा है। और मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि मैंने नेट भी किया अपना भी था, और सासू जी की सिम थी ना उसमें भी 3 GB नेट था, तो मैंने वो भी यूज़ किया, पर तब भी तो ब्लॉक नहीं पड़ा। मेरे तो समझ नहीं आ रहा क्या हो गया मेरे यूट्यूब को, कसम से दिमाग ख़राब हुआ है। मैं सुबह से कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा इस चक्कर में। एक ये था यूट्यूब, वो भी धोखा देने लग गया धोखा, मतलब ऐसी ड्रामे दिखा रहा अपने, ऐसे आज तक मेरे साथ हुआ ही नहीं, परसों हुआ था लेकिन हो गया था बाद में, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हद कर दिया है इन्होंने मतलब इस यूट्यूब ने। तो दोस्तों चलो करते हैं अपने पतिदेव को थोड़ा कॉल, सुबह से उन्होंने मुझे कॉल तक नहीं की, तो मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ, तो थोड़ा उनसे बात कर लूँगी तो अच्छा लगेगा थोड़ा। फिर अपने घर वालों को भी करती हूँ धीरे धीरे कॉल, काफ़ी टाइम से उनसे भी बात नहीं हुई। मेरी बहन की भी तबीयत ख़राब है, तो उसे भी करती हूँ ज़रा कॉल। तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं चिकन, और मैं बना रही थोड़े से चिकन पकोड़े, तो देखते हैं फर्स्ट टाइम बनाऊंगी मैं कैसे बनते हैं। तेल गरम हो चुका है तो फटाफट से बनाती हूँ इनको, देखती हूँ कैसे बनते हैं। मैं सच में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ चिकन के पकौड़े, ऐसे मैंने आज तक बनाए नहीं, लेकिन चलो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो दोस्तों हम 12 बज चुके हैं और अब जरा सोते हैं, आराम करते हैं। तो अभी तक मैं कर रही थी अपने दोस्तों से बात कॉल पे ही, टाइम पास हो जा रहा है दोस्तों। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपको ऐसे नए ब्लॉग में, नए साथ, नई शुरुआत के साथ।